नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉन्टेक्स्ट सॉल्यूशन में। आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट सर्कल टेक्स्ट इन एमएस ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम सर्कल बॉक्स के अंदर कैसे टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले एमएस ऑफिस ओपन कर लेते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको रन ओपन करना होगा, जिसके लिए कमांड है विंडो आर। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है विन वर्ड स्पेस ए। आप इस तरीके से भी वर्ड खोल सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन होता है दोस्तों स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर आपको सर्च करना है वर्ड और यहाँ से आप ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर आपके वर्ड में ओपन करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पेज पे ब्लैंक पेज आ गया है, जिसमें आपको एक सर्कल लेना है। उसके लिए इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में सर्कल। तो यहाँ से हम एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सर्कल के अंदर बैकग्राउंड कलर आ गया है ब्लू, जो हमें नहीं चाहिए। तो उसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, शेप फॉर्मेट में आपको शेप फिल में जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है नो फिल। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बैकग्राउंड गायब हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको लिख नहीं पा रहे हैं बॉक्स के अंदर। तो अभी आपको क्या करना है सर्कल के अंदर, तो आपको सर्कल की आउटलाइन पे क्लिक करना है और इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, आपके सर्कल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब लिख के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम मैं कुछ लिख तो रहा हूँ लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब हमारा बैकग्राउंड तो रिमूव हो गया, साथ साथ हमारे टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया है। तो यहाँ पर हमारे टेक्स्ट के कलर को ब्लैक में या किसी और कलर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, वापस शेप फॉर्मेट में जाना है। यहाँ पर देखिए वर्ड आर्ट स्टाइल है, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, वर्ड आर्ट स्टाइल में आपको कलर चूज करना होगा। मैंने यहाँ पर ब्लैक किया, तो अब यहाँ पे आप देखिए, अब हम लिख के देखते हैं तो आपको ब्लैक कलर में ही लिखा जाएगा, हेलो माय नेम इज अमित गुप्ता। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप वर्ड के अंदर किसी भी शेप में टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं। इंसर्ट में आप यहाँ से और मल्टीपल शेप्स भी चूज कर सकते हैं, जैसे आप ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप पेंटागन चूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप डायमंड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप हर एक शेप के अंदर टेक्स्ट ऐड करके लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।